हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लाया हूं। दोस्तों काफ़ी दिन बाद मैं जो है आपको वीडियो दे रहा हूं। तो दोस्तों आज जो हमारे पास बाइक है वन के डिस्कवर 135 सीसी है। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम बाइक खड़ी कर दें तो आप अगर स्टार्ट करोगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बट स्टार्ट तो होगी लेकिन दो चार किक मारोगे तभी स्टार्ट होगी। सुबह में ज़्यादा प्रॉब्लम करती है दोस्तों। तो ये यहाँ पर मेरे सामने बाइक है तो इसकी मैं चाबी ऑन करता हूँ। दोस्तों ये काफ़ी जो है इसकी किक बहुत जोर से मारना पड़ता है। तो दोस्तों ये बाइक इस तरीके से स्टार्ट होती है। काफ़ी मतलब इसका जो कंप्रेसर है इसका मुझे ऐसा लगता है कंप्रेसर बहुत डाउन हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी टंकी, ये जो टंकी देख रहे हैं टंकी सील्ड है, खोलनी पड़ेगी। तो फटाफट दोस्तों मैं इसको खोल देता हूँ, फिर उसके बाद में क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने दोस्तों देखा इसकी टंकी और सीट मैंने खोल दी है। यहाँ पर ये टैपिड नट होते हैं तो इसको मैं आसानी से खोल लेता हूँ। पहले ही मैंने इसको पानी से लूज कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टैपिड है और ये टैपिड काफ़ी टाइट है लेकिन अभी भी कंफर्म हमें नहीं बता सकता क्योंकि हमें इसका पिस्टन टॉप करना पड़ेगा। पिस्टन टॉप करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले इसका जो यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेट है, तो मैग्नेट के जो बोल रहे हैं ये बॉम्बे कवर है, इसको हम बॉम्बे कवर कहते हैं। तो आप ये जो नट देख रहे हैं ये नट मैंने खोलना पड़ेगा और यहाँ पर जो शीशा देख रहे हैं आप, ये टाइमिंग वाला शीशा, यहाँ पर टी आ जाएगी तो जो इसका पिस्टन है पिस्टन टॉप हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में इसको हमें लूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हल्का मैं लूज़ कर देता हूँ। तो ये हमारा पुलर है, इस तरीके से हमने इसको राउंड लेना है। तो मेरे हिसाब से इतना टैपिट लूज़ हो गया, काफ़ी हो गया ये। तो इसको टाइट कर देते हैं, इस समय ठीक है, ये हल्की प्ले दिखा रहा है तो इसकी हमारी स्टार्टिंग से ही हो जाएगी। तो ये वाला वाल्व देखते हैं, तो इस वाल्व को भी थोड़ा लूज कर देंगे। दोनों वाल हमारे ठीक हो गए। अब इसकी जो है टंकी फिट करके देखते हैं कि हमारी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही है। तो फटाफट दोस्तों मैं इसकी टंकी फिट कर देता हूं। तो दोस्तों इसके जो टैपिट टाइट थे वो हल्के लूज़ कर दिए हैं और अब देखते हैं कि हमारी बाइक की स्टार्टिंग कैसी है, या पहले से बेहतर है या और ज़्यादा बेकार हो गई है। तो दोस्तों टंकी फिट कर दी है, अभी मैं किक मार के देखता हूँ। दोस्तों ये चाबी ऑन कर दी है मैंने, पहले तो मैं एक्सीलेटर भी ले रहा था और अब देखते हैं बिना एक्सीलेटर के होती है नहीं होती है। तो दोस्तों ये बाइक हमारे बिना एक्सीलेटर से स्टार्ट हो रही है। तो अभी क्या करते हैं हम, एक बार चाबी ऑफ करते हैं इसकी बाइक की, फिर उसके बाद देखते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी सॉल्व हो चुकी है। काफ़ी दिक्कत आ रही थी जिनकी बाइक थी, हमेशा ये कहते थे अफरोज भाई ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, और उनका नाम सानू भाई था, वो हमेशा ये कहते थे। दोस्तों मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको हमेशा मैं छोटे छोटे वीडियो लाते रहता हूँ। वीडियो पसंद आता तो लाइक, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।